हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हम दुआ है यार, खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एल्विश यादव न्यू एडिटेड वीडियोस पर, जो कि आप लोग की रिक्वेस्ट है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी खुशी हो रही है यार, हमारा जो एल्विश वाला पॉडकास्ट था वो कितने पे, 2 पे ट्रेंड कर रहा है यार। वाह, नंबर 2 ऑन ट्रेंड। थैंक यू। ये है भाई, सिस्टम है। लड़का है, सुपरस्टार तो है। इस सीजन कैसे सिस्टम मिलेगा, अगले टेक्नोलॉजी खोजेंगे। अरे एल्विश भाई, असल किरदार है, जो असल चरित्र है वो सबके सामने आ गया। भाई माँ की कसम बता रहा हूँ, मेरा असल चरित्र सब लोगों के सामने आया ही नहीं अभी। इनके सामने तो बिल्कुल नहीं, इनके सामने आके डर जाएंगे। रख के माटी सी उत्ते मार। फुकरा इंसान की हार का कारण क्या है? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ तो एल्विश मैं ही हूँ, आकर जिसने जिसको आपने कहा था कि जहाँ दिख जाओगे कूट दोगे। सही कहा, अब भी उसी पे ही हूँ मैं, गलत कही मैंने, जहाँ दिखेगा वहाँ कूट देंगे। आपकी शादी तो होने ही वाली है। ये शादी की बात क्यों हो रही है, और कुछ बताओ यार मुझे, बताओ। like, आप कम मेहनत में बहुत ज्यादा लाइक फेमस हो जाते हो। और ये बताने कितने लोगों के पड़ेगा? क्या? भाई यहाँ पे तो सारे बदमाशी वाली गाड़ी चला रहे, सबने स्कॉर्पियो एन ले ली क्या? है बस स्कॉर्पियो जो पुरानी वाली थी भाई, उसकी ओढ़ तो देखो ना हो गए। ऑल दो इसमें लग्जरी है, उससे कम्फर्ट है उससे ज्यादा, बट उसकी भाई लुक अलग थी यार। मस्त तो मैं। प्लीज कैरी भाई, अब जो भाई सपने सजा रखे हैं। कान पे मोबाइल शीशा डाउन, गाड़ी का तेरे शहर में आ रहा राव साहब बोल दे। कान पे मोबाइल शीशा डाउन, गाड़ी का तेरे शहर में आ रहा राव साहब। सबसे पहले एल्विश यादव, एल्विश की अच्छी बात यार, एल्विश की अच्छी बात यह है कि वो ना जुबान का बहुत पक्का है। अगर वो तेरे लिए खड़ा है तो खड़ा है, अगर उसने तेरे को बोल देना कि आज मैं हूँ तेरे लिए और तू उसको बोलेगा आधी रात को भी तो वो आ जाएगा। और वो इतनी गाड़ियां लेके आएगा, इतने बंदे लेके आएगा कि वो तेरे को पता ही है यार। फॉर्च्यूनर में तो इससे ज्यादा चीजें है मम्मा, ये फॉर्च्यूनर तो एटॉमिक बॉम्ब, वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही है। फॉर्च्यूनर के लग तेरी टोल, गरीब से ना चीनी रोटी, दिल अनमोल, मारे ठेके हम काले और है जी कई मॉल। शॉपिंग करना तो पहले आई लव यू बोल, मैं प्रोड्यूसर नहीं ढूंढता वो मुझे ढूंढ। सेम आए थे टू बी ऑनेस्ट, उसकी प्रोफाइल से हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे, तो हमें लगा था बस वो एक यूट्यूबर है। बाहर निकला तो पता चला कि एल्विश एक्चुअली क्या चीज है। मोदी जी का फोन आया था, कह रहा है क्या, मैंने कहा मोदी जी बताओ आना है, तो कह रहे अरे कहाँ है तू यार, यहाँ बहुत भीड़ पाएगी, फिर मीटअप वीटअप हो जाएगा। मैं
मैंने सोच रहा भाई कोई उनकी माँ भाड़ को गाड़ी पकड़े पीछे से, अगर ये वहां जाके तुम क्या करोगे, स्माइल पास करोगे उसको, इग्नोर मार के चल दोगे। हमारा तो भाई जमीर जिंदा, अभी हमारा कोई गाड़ी पकड़ेगा हम तो नहीं सुन पाते, ऐसे ही ऑन द स्पॉट कोई आमने सामने मिल जाए मैं तो छोड़ता नहीं बंदा वो। के अगेंस्ट एक वीडियो भी अपलोड किए जिसके नीचे मैक्सटन कमेंट कर दिए एल्विश यादव ये किन गवारों को फॉलो करके रखा है, जिस पर खुद अब एल्विश यादव रिएक्ट करते हुए बोल दिए तुम्हें अनफॉलो कर दूं फिर। He is India's most popular YouTuber. He is most popular after CR7 and Messi. No way. Cristiano Ronaldo, Messi, Elvis Yadav. No way. Who is this? Right. देख मैक्सटन रूल वन, अगर मार पिटाई होने वाली है जो भी है, अगर एल्विश चार बंदों को भी लाने वाला था, तू जो एड्रेस लीक कर दिया ना, आठ बंदे तो उसके पीछे पीछे आ गए होंगे। और मुझे किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब हम कितने हिंदू हैं कितने नहीं है। भाई ने हिस्ट्री लिख दी, मालूम है क्या, वाइल्ड कार्ड एंट्री आज विनर होगा। क्यों? डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ राहुल साहब। सिस्टम 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 सिस्टम। इंसान की हार का कारण क्या है? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश ये बात तो है। एक मनीषा रानी है जो एल्विश भाई के आगे बोल सकती है, लेकिन एल्विश अंदर था जिसे सब डरते थे और उसके उसके सामने सबका बोलती बंद हो जाता था। गार्गी मेरे को थोड़ी ना फ्लिप सी लगती है यार, मतलब खुद करे तो कुछ नहीं, रौनक करे तो रोन लग जाएगी क्या, तो खुद कुछ मत कर, या फिर कर रही है तो भाई फिर उसको भी करने दे, वैसे ऐसे काम नहीं करता रिलेशनशिप, बट फिर भी स्टिल बोलने में कहा जाता। वो कोई एनिमल का रणबीर कपूर या कबीर सिंह का शाहिद कपूर नहीं, वो सब मूवीज में है अल्फा मेल, ये रियल अल्फा मेल है, इसको गुस्सा दिला दोगे यार करियर खा जाएगा आपका। ये चीज मैंने देख ली, अब नाम भी करेंगे तो बदनामी तो आएगी और हो भी रही है। अगर मैं थोड़े टाइम के लिए ब्लॉगिंग क्विट कर दूं तो रह लोगे गाइस, भूल तो नहीं जाऊंगा अगर वापस आएगा। छोरा राव साहब का सिस्टम ने पाड़ा रे देख उजाड़े में, चोरी बेहिसाब कदी आर पार। एटीट्यूड है कि चलो अब ये नहीं हो रहा फिर तो बहुत कैजुअल एटीट्यूड है कि मैं छोड़ देती हूँ। देखो मेरा क्या है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ, लोग बिना पढ़े एग्जाम देते ना वो लसीन है, फिर तो वो लोग क्या कहते हैं उन्हें, बेवकूफ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। उस टाइम क्या है कि एल्विश ने ये अनाउंसमेंट की थी कि रोस्ट आने वाला बहुत तगड़ा, तो जोगिंदर को ये लगा कि मेरे ऊपर रोस्ट निकालने वाला, ये कह रहा था कि भाई उसको कह दे मेरे पे रोस्ट ना निकालेगा, और बाद में उसने अंकल अंकल को भी कही थी अंकल मेरा रोस्ट मत निकलवाना प्लीज। एल्विश यादव वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया जिनको कहा है, और जो कल्ट वर्ड आया है ना, जो कल्ट वर्ड बोला जाता है इसका कल्ट फैन फॉलोइंग बेस है, इसका कल्ट फैन फॉलोइंग बेस है, शायद इसकी शुरुआत एल्विश यादव से ही हुआ था, जब इस वजह से हम अभी बोलते हैं एल्विश यादव द ब्रांड। क्या तो
तुम्हें पर्सनली किसकी टीम में आना? मेरा तो चारों में दिल है यार, ऐसे क्यों कर? अरे यार पता चला मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी बुआ जवान हो गई। एक काम कर भाई, तुम्हारी बुआ के पास मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं है, तुम करो। पक्की बात है? पक्की बात है। आप पता चला उनका सिस्टम सेट कर दिए। सारी वीडियोस मतलब फैली चुकी थी हर बात की तरह ही, उनकी खतरनाक वीडियो थी और इनकी सारी वीडियोस ने तो आग लगा दी। और जो जो भी बात कही है, इनकी सबसे अच्छी बात तो मुझे लगती है कि हर कोई इनकी फ्रेंडशिप के बारे में बोलता है, ये भले कोई इनके साथ खड़ा हो या ना खड़ा, लेकिन ये हर किसी के साथ खड़े होते हैं। आप बताना आपको हमारे रिलेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब करना।